मेवात पहुंची कुमारी शैलजा, गुरुग्राम जिले में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे, मॉब लिंचिंग किसी सूरत में भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस सीट को कांग्रेस ही जीतेगी। हरियाणा में कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। राजस्थान में भाजपा की हार हुई। कुमारी शैलजा ने कहा है कि हरियाणा में भाजपा जजपा के विधायक कांग्रेस के संपर्क में होने की जो बात कांग्रेस के कई नेता कर रहे हैं, तो राजनीतिक में सभी दलों के नेता एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। बिल्कुल स्पष्ट है, मॉब लिंचिंग इस देश में, आजाद देश में कोई मतलब नहीं है। कोई लोग अपने हाथ में ऐसा दिखाते हैं कि वो कानून वो चलाते हैं। क्या इस प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं है? क्यों ये धर्म के नाम पर इस तरह के कार्य करते हैं? अगर कहीं कोई गलत काम होता है तो वो प्रशासन देखे उसको। ये मॉब लिंचिंग का क्या मतलब है? और लोग अपने हाथ में कानून कैसे लेते हैं? सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो भी गलत कार्य करता है। बिश्नोई का बयान आया है और कई नेताओं के आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती, क्या कहेंगे? देखो, ये तो बातचीत तो चलती रहती है। ये तो आप जानते ही हैं कि चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे दूसरी पार्टी के हों, खुद इनकी पार्टी के भी विधायक इनसे खुश तो है नहीं। इनकी कारगुजारी से काम तो कोई हो नहीं रहा, किसी का भी नहीं हो रहा। क्या कारण था कि स्पीकर साहब को मीटिंगें बुला बुला कर सरकार को हिदायत देनी पड़ी बार बार कि विधायकों की सुनी जाए? ये तो साफ दिख रहा है कि सरकार किस तरह से चल रही है, बल्कि चल ही नहीं रही है। आपकी पार्टी को एक बड़ी क्षति हुई है, राजीव त्यागी जी का निधन हो गया है, दूसरा प्रणब मुखर्जी जी की हालत बेहतर नहीं है, दोनों को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी हमारे प्रणब दा कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ रहे हैं, बल्कि जितना सेंस ऑफ हिस्ट्री प्रणब दा में रही है, मैं नहीं मानती कि उनके मुकाबले का कोई नेता इस तरह से हो सकता है। हमारे माननीय राष्ट्रपति भी वो रह चुके हैं, मैं कामना करूंगी कि वो ऐसी स्थिति से बाहर आएं और ठीक हों। भगवान उनको अच्छी अच्छा स्वास्थ्य दे। जहां तक कि राजीव त्यागी जी की बात है, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये जो खबर सुनी तो एकदम सदमे वाली बात है। खुद मेरा मन नहीं मानता था कि राजीव त्यागी जैसे एकदम इस कम उम्र में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो गए भी हैं तो संघर्ष करते करते कांग्रेस पार्टी के लिए, आम लोगों की आवाज़ को उठाते उठाते। और बल्कि हम सबको देखना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस और लोगों के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। राजीव त्यागी जी का जाना हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी क्षति है, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी कह सकती हूँ क्योंकि उनको मैं बहुत अच्छे